दिल्ली नसबगढ़ के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने सामाजिक किसान महिला पंचायत का आयोजन किया, जिसमें नजफगढ़ समेत तमाम दिल्ली की भाजपा महिला कार्यकर्ता ने भाग लिया। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के नजफगढ़ जिला अध्यक्ष रमेश जी ने इस किसान पंचायत का आयोजन किया। आइए देखते हैं नजफगढ़ से पवन कुमार जुनेजा की ये खास रिपोर्ट। आज ये हमारी सामाजिक महिला किसान पंचायत का बैठक थी और ये बहुत ही सफल हुई है। इसमें राज शर्मा जी हैं, पिंकी जी हैं और भी सभी ने मेहनत की है। मैं इन दोनों को बधाई देता हूं कि ये बैठक कामयाब करने के लिए। हाँ, आज की बैठक से मैं ये संदेश महिलाओं को नहीं पूरे देश को देना चाहता हूं कि आज की नारी हमारे से भी आगे निकल चुकी हैं और देश की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर आगे रहेंगी। देखिए, आज हमारी जो मेन चर्चा हुई है वो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जो सभी को मिले, चाहे वो किसान है, चाहे नारी है, चाहे और दुकानदार है, मतलब किसी तरह का भी, वो सबको उन योजनाओं को लाभ मिले। चाहे रेडी पटरी वाले हैं, सबको इस योजना का लाभ मिले। जो केजरीवाल जी ने जो याद लूट मचा रखी है उसके बारे में भी हमने बताया। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी किसान मोर्चा को, जिनकी अध्यक्षता में हमने आयोजन किया उसको आज बहुत अच्छे रूप में मिली, जिसमें बहन स्वाति जी, मिसेस परवेज वर्मा जी भी आई और बहनों का बहुत ही सम्मान और मार्गदर्शन किया। और जो मोदी सरकार निरंतर प्रयास में लगी हुई है कि बहनों को कैसे सम्मान दिया जाए, चाहे वो शौचालय बना के दिया जाए, चाहे उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिया जाए, चाहे किसान के माध्यम से दिया जाए, तो हर योजना के बारे में बहन स्वाति परवेज वर्मा जी ने आके हमारा मार्गदर्शन किया और बहनों का उत्साह बढ़ाया। तो उसके लिए मैं नजफगढ़ जिला को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और विशेषकर किसान अध्यक्ष जो मोर्चे के हमारे भाई रमेश जी हैं गहलोत जी यहाँ के, और बहुत ही सम्मानीय हैं। इनकी अध्यक्षता में बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं और हो रहे हैं और आगे भी हो रहे हैं। बहनों के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं और आप देख ही रहे हैं बहनों की संख्या, और इसी तरह से हम लोग आयोजन करते हैं। और हमारी भारतीय नारी सब पे भारी, आज हमारी सारी महिलाओं ने इकट्ठा होकर जो ये शक्ति का प्रदर्शन किया है, इससे हमें पता लगता है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमारी उनकी सोच किसानों के प्रति जो आज हमारे यहाँ है, उन्होंने ये बताया कि हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमारे देश का एक नारा है जय किसान जय जवान जय किसान, ये आज बयान है जानकारी मिली हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जितने भी योजनाएँ हैं वो हमारी महिलाओं तक पहुँचेंगी, तो महिलाओं से आगे बच्चों तक और देश में किसान महिला महापंचायत का आयोजन किया गया था। ये स्पेशल किसानों का लेके लिए आयोजन किया गया और इसमें आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष सहरावत जी, ध्रुव सहरावत जी यहाँ पर थे, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जयवीर राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जी इसमें मौजूद रहे, हमारे जिले के अध्यक्ष विजय सोलंकी जी जो जिला नगर के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसमें, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई रमेश गहलोत जी, सुरेंद्र मटियाला जी, यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद राजेश गहलोत जी, जो यहाँ पे महिलाओं में कौन आया, महिलाओं में यहाँ पे वही स्वाति जी जो कमल वर्मा जी की श्रीमती भारत हैं, स्वाति जी आई थी और उन्होंने महिलाओं के लेके यहाँ पर बहुत सी जो कार्यकारी योजना है मोदी जी की, जो महिलाओं के इतनी योजना है उनके बारे में महिलाओं का मार्गदर्शन और सभी महिलाओं को उसके बारे में विशेष करके सीखा।